यस गुड आफ्टर गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको. वेरी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रिया कृति इनोकुस. गुड इवनिंग सबको. वेरी वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल माय वॉरियर्स. रूपाली गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सबको. गुड इवनिंग अंजनी. गुड इवनिंग एवरीवन. एंड सर्स लाइट्स. यस हैव यू डाइड. गुड इवनिंग. खुश रहिए. सिद्धांश कार्तिक सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. सोनिया बहुत सारे रेज योर हैंड में बैठे हुए हैं. स्प्रूस रेज योर हाथ उठा के बहुत सारे बैठे हुए हैं. राहुल पूजा वाय सब आज सब रेज योर हैंड में ही आ गए हैं. विकास अंस्केत सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. रेखा रे पल्लवी हिमांशी सब परस्पीकेस तन्वी. अरे आज आज किसी तन्वी का बर्थडे नहीं नहीं तन किसी का बर्थडे था आज. चलो सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. आज सब रेज योर हैंड में बैठे हुए हैं. सब रेज योर हैंड करके बैठे हुए हैं. नया आज किसका बर्थडे था. आज आज किसका बर्थडे था एक बार बताना. आज आज तन्वी का ही आज था या कल था. अरे तन्वी का तन्वी एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे. आज ही है आपका बर्थडे तन्वी. आज ही आपका बर्थडे है एक बार रिस्पॉन्ड करिएगा. रेज इज अप रेज योर. जी मैम अच्छा तो आप शायद चलो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ. शायद आप रेज योर हैंड में हो. तन्नू है. अरे कहाँ ढूंढू मैं आपको. तन्वी को मैं इन्वाइट भेजा है आपको. एक्सेप्ट कर लेना. अरे क्या किया आपको तो इनवाइट भेजा था मैंने. तन्वी ने इनवाइट मिस कर दिया. बर्थडे विश करने के लिए आपको भेजा है और आपने मिस कर दिया. चलो कोई बात नहीं है कोई बात नहीं. सब बैठ गए हैं आज. सब आ गए. चलिए कोई बात नहीं. सब बैठ गए हैं आज रेज योर हैंड में ड्रामा करने के लिए. गुड इवनिंग एवरीवन. मैंने आपके हाँ तन्वी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था बट आपने रिक्वेस्ट मिस कर दिया. आपने मिस कर दिया है रिक्वेस्ट. ओके तो अच्छा जिस स्टार्ट किया जाए स्टार्ट किया जाए. ओके स्टार्ट किया जाए. आपने रिक्वेस्ट को मिस कर दिया है. मुझे सेंड कीजिए. ड्रामा है क्या मुझे सेंड करिए बातचीत करने के लिए. जिन बच्चों का आज तो मैंने बोला था टेस्ट लूंगी. ठीक है मैंने तो आज बोला था टेस्ट लूंगी. हाँ टेस्ट और टेस्ट का शीट भी मैंने डाल दिया था. अब उसमें से किसी ने देखा तो नहीं होना. सब तो अपनी अपनी दुनिया में है. मैंने अपडेट सेक्शन में 7:30 बजे के करीब मिल गया है तो कर भी तो लिया होता. कर लिया है कार्तिक. वेरी गुड वेरी गुड. 7:30 के करीब मैंने अपडेट सेक्शन में एंटोनिम्स देखा कि मैं सिनोनिम्स बहुत करवाया है. ओके सिनोनिम्स बहुत करवाया है. मैंने टेस्ट दे दिया था तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे. स्टार्ट कर दिया था. ओके देखा नहीं है. बिजी होंगे भाई. मैथ्स रीजनिंग और वो सब भी तो क्लास है. हो गया तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा चलो स्टार्ट किया जाए स्टार्ट किया जाए. ये जो जो हमारे नए बच्चे आए हैं ना अब क्या करोगे. क्योंकि ये वोकैब का बैच तो अब 2 months हो जाएगा कुछ दिन में. तो आप रिकॉर्डेड देखो ना. वोकैब का बैच लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो. लाइव से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके तो आप जो भी छूट गया है देख लो. ओके जो भी छूट गया है देख लो. और कल जिसका SBI का एग्जाम जो है बेस्ट ऑफ लक. रेज योर हैंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. बेस्ट ऑफ लक जिसका कल SBI का एग्जाम है. मुझे पूरा अंदर से इंट्यूशन हो रहा है ना एकदम अच्छा जाएगा एग्जाम. बस 1 घंटे में कूल एंड काम होके अपना बेस्ट देके आना. प्री में कोई दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा सा मेंस में ज्यादा करना है. ओके तो एकदम अच्छे से एग्जाम 1 घंटे में अपना मैक्सिमम देना. एकदम कूल एंड काम रहना. कोई क्वेश्चन नहीं भी आए घबराना नहीं है. बैंकिंग में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है. सब नहीं बनता है. चलो स्टार्ट किया जाए. नेक्स्ट बैच वो क्या आपका कब आएगा. अच्छा बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी. रेज योर हैंड रेज योर हैंड. अच्छा रेज योर हैंड क्या है बताती हूँ. रुको रेज योर हैंड क्या है बताती हूँ. अपना अपडेट देखो. किसी को रैंडम चुनती हूँ तो मुझ पे तो इल्जाम लगा देते हैं ना. चलो हैरोड को चुन लिया. हैरोड का मैंने इन्वाइट भेजा है. नमस्ते मैम. हाँ हाँ कैसे मैम आप. मैं तो ठीक हूँ.
जी मैम, सब सही है, सब सही है। मोरल हरी रख, हरी रख, जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। है बस आपको बता दूं, आपको जब भी कोई डाउट पूछना है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। इतने सारे बच्चे हैं, सब बैठे हुए हैं इसी में। चलो स्टार्ट किया जाए। ऋचा से बात करती हूँ। ऋचा एक्सेप्ट करेंगे कॉल? हेलो ऋचा, बी बिट लाउड। हाँ हेलो रिचा, हेलो मैम। मैम वॉइस थोड़ा अजीब सी आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम वॉइस तो आ रही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। ओह माय गॉड। अच्छा चलो ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके यही वाला है, ये फीचर अन अकेडमी ने ऐड किया है। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। So let's start. Let us start. अभी अभी आवाज ठीक है, एवरीथिंग इज ओके ना? बाद में मुझे किसी से कुछ पूछना होगा तब मैं पूछूंगी। चलो एंटेनिम्स दिया था मैंने आपको, एंटेनिम्स दिया था, मूवी का सीन चल रहा है। ओके लेकिन आफ्टरनून में तो आवाज ठीक ही जा रही थी, आफ्टरनून में एवरीथिंग वॉज ओके। चलो एब्स्टेन, एंटेनिम बताना। एब्स्टेन करना मतलब अपने आप को किसी से दूर रखना, मतलब परहेज करना। परहेज करने का उल्टा क्या होगा? हाँ रिफ्यूज, अपोज नहीं होगा, परमिट होगा। परमिट ध्यान रखना, एंटेनिम। मैं देख रही हूँ ना काफी इतना आप लोगों ने सिनोनिम्स कर लिया है कि आपको सिनोनिम्स की आदत हो गई। आप एंटेनिम्स की जगह क्या कर रहे हो? सिनोनिम्स ही टिक करके आ जा रहे हो, एंटेनिम्स की जगह सिनोनिम्स करके आ जा रहे हो। कैंडिड, कैंडिड का मतलब, हाँ बोल रहे हैं सब। कैंडिड का मतलब होता है कैंडिड इज अ पर्सन हु इज वेरी बोल्ड, और बोल्ड होने की वजह से बहुत ईमानदार है, किसी से डरता नहीं है क्योंकि ईमानदार है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत अबव बोर्ड लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? लीगल तो नहीं होगा, वर्थलेस मतलब बेकार, यूजलेस का मतलब तो मिसलीड। ये तो ईमानदार होते हैं, और ये तो जो लोग होते हैं आपको मिसलीड करते हैं। चलो मुझे करना फोन। ओके इम्प्लिसिट, आज मैं आफ्टरनून में एक रैंडम कॉल कुछ और कर रहे थे। इम्प्लिसिट, कोई भी चीज मैंने आपको बताया। एक्सप्लिसिट का मतलब कोई भी चीज क्लियर है, और इम्प्लिसिट का मतलब है कोई भी चीज हिंटेड है, अनक्लियर है, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर डेफिनेट होगा, डेफिनेट, डेफिनेट। ओके टिमिड, टिमिड, टिमिड का मतलब तो डरपोक है, जल्दी जल्दी बताना है। डरपोक का उल्टा बोल्ड। एंशियंट, एंशियंट है, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट का मतलब है प्राचीन, और लेटेंट का मतलब है हिडन, छुपा हुआ, और हिस्टोरिकल तो हिस्ट्री है। तो क्या होगा आंसर? एंशियंट मतलब प्राचीन, और रिसेंट का मतलब है नया। नहीं समथिंग विच इज डिजास्ट्रस। फ्राइडे इज टेस्ट डे। डिजास्ट्रस मतलब तबाह कर देने वाला, डिमोलिशिंग का मतलब भी है डिस्ट्रॉइंग। तो डिजास्ट्रस का क्या होगा आंसर? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। कंसिस्टेंसी, बच्चे में कंसिस्टेंसी है, इसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी तो इजी है। स्लगिश, स्लगिश 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 होना मतलब अपने काम को लेट से करना, आलसी होना, और ये तो काम को टाइम से कर लेना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। रूम में रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार रुको, इसको लग रहा है कि लैग हो रहा है।
ओके, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब हासिल कर लेना, मिशन अकम्प्लिश, मिशन को अकम्प्लिश कर लिया गया, मतलब अपने मिशन को पूरा कर लिया गया, तो इसका तो अधूरा छोड़ दिया गया, उल्टा कर रहे हैं अभी हम, एंटेनिम्स कर रहे हैं, एंटेनिम्स। कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट है, चलो आंसर बताओ। कॉन्फिडेंट का रिजर्व तो नहीं है, रिजर्व तो जो लोग कम बात करते हैं, स्काई तो नहीं होगा। अब देखो, मैंने कॉन्फिडेंट में, कॉन्फिडेंट का उल्टा हो सकता है आपको टिमिड भी आए, डरपोक भी आए और डिफिडेंट भी आए, डिफिडेंट भी आए, बट दोनों में डिफरेंस है। टिमिड का मतलब तो डरपोक हो गया, ओके, और डिफिडेंट का मतलब होता है ना हिचकिचाना, तो कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप पे भरोसा रखना, और डिफिडेंट जिसको अपने पे भरोसा नहीं। लैग हो रहा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का उल्टा इंटीरियर, हाँ इंटीरियर, इंटीरियर, इनवर्ड नहीं डाला, इनवर्ड का उल्टा ना आउटवर्ड होता, अगर आउटवर्ड होता तो मैं इनवर्ड डालती, ठीक है, अगर आउटर होता तो मैं इनर डालती, अगर एक्सटर्नल होता तो मैं इंटरनल डालती, बट एक्सटीरियर का इंटरनल, डल, डल, डल का समथिंग विच इज वेरी डल, और ये ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, वेरी गुड। हाँ और भी कुछ आंसर है तो बोल सकते हैं। और ये देखो, आप बोलोगे मैम स्टूडेंट बहुत डल है, स्टूडेंट बहुत क्लेवर है, क्लेवर नहीं है, क्लेवर का मतलब है चालाक, तो चालाक का उल्टा ना, क्लेवर का उल्टा डल, फुलिश आएगा, फुलिश। 13 का रिलीजियस है, रिलीजियस है, धार्मिक है, धार्मिक है, क्या है, सेक्युलर है, सेक्युलर कहाँ से हो जाएगा भाई, क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोलना है, करप्ट है, करप्ट कहाँ से हो जाएगा, करप्ट है, धार्मिक है और करप्ट है, इमोरल है, ऐसा थोड़ी होता है, इमोरल तो अनैतिक होता है। अथेस्टिक है, अथेस्टिक है मतलब नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये आंसर है, भगवान, और ये तो रिलीजियस है, भगवान पे भरोसा है। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर अलग वर्ड है, ओके, सेक्युलर है धर्म निरपेक्ष, वो अलग है, इसमें भी धर्म में तो वो फॉलो कर रहा है, बट किसी खास धर्म को नहीं कर रहा, सब धर्मों को फॉलो कर रहा है, ओके, वो सब धर्मों को फॉलो कर रहा है, ऑल रिलीजन्स। सिंफुल, सिंफुल तो वेरी हेटफुल, वेरी निंदनीय है, बहुत खराब, पापी टाइप। तो आंसर इज अथे, जिसको धर्म या भगवान पे भरोसा नहीं। अक्विट करना, अक्विटल, आज पूरा, और कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना, ये मैं बीच में एट रैंडम इनवाइट भेज दूंगी, और जो इनवाइट को रिजेक्ट करेगा ना उसका कभी भी डाउट नहीं ले लूंगी मैं, तो बीच बीच में मैं चेक करते रहूंगी, जैसे आज एक चेक किया था आफ्टरनून में, पकड़े गए थे, अटेंटिव नहीं थे वो। अक्विट, अक्विट करना, किसी को अक्विट करना, बरी करना, ओके, पनिशमेंट से, तो क्या होगा इसका, अक्विटल, अक्विटल का उल्टा क्या है, पनिश करना, पनिशमेंट, पनिशमेंट देना, हम लोग एंटेनिम कर रहे हैं। कैस्टिगेशन का मतलब तो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, कंडेम का मतलब भी निंदा करना, बट इसको दोषमुक्त करना। सेज, सेज, सेज मतलब सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी लोग बहुत समझदार होते हैं, वाइज होते हैं, वाइज, जो उसने हाथ नहीं उठाया है ना उसको भी कॉल कर सकती हूँ मैं। ये स्नॉब, कल हमने स्नॉब पढ़ा था, स्नॉब का मतलब क्या होता है, स्नॉब का मतलब, स्नॉब कल बताया था ना, स्नॉब किसी को नीचा दिखाना, स्नॉबिश लोग होते हैं, ओके, मतलब जो अपने से नीचे वाले लोग होते हैं, सोशल, सोशली लो रैंक वाले लोग होते हैं, तो उसको नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं। मॉइस्ट, मॉइस्ट का उल्टा ड्राई है, वैसे ड्राई है, बट पार्च्ड का मतलब, पार्च्ड का मतलब भी ड्राई, ये लैंड के लिए होता है, मतलब ड्राइनेस से जो लैंड एकदम फट गया, एरिड हो गया, बैरन हो गया, पार्च्ड हो गया, बंजर हो गया, ये बंजर के सेंस में। तो आंसर इज दिस, मास्क, मास्क लगा के घूम रहे हो, मास्क लगा के घूम रहे हो, अपना फेस छुपा के घूम रहे हो और फेस को एक्सपोज कर रहे हो, एंटोनिम कर रहे हैं। कैलस, कैलस है, चलिए अनुराग, मुझे मुझे कैलस का आप बताएंगे, अनुराग मुझे कैलस का आप एंटोनिम बताएंगे। गुड इवनिंग मैम, सी कैलस का सी, वेरी गुड, वेरी गुड, सेंटीमेंट,
चलो सब लोग अनुराग के लिए क्लैप करो, क्लैप करो सब लोग। हमारे क्लास के सबसे स्मार्ट बॉय आ रहे हैं। मेरी आवाज ही गड़बड़ हो रही है। यस प्रू सुमेश, हेलो मैम। यस हेलो, चलो आंसर बताओ। बिगाइल का, बिगाइल मींस, बिगाइल का आंसर है मैम ए, डी, डी आंसर है मैम, बी, डी 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 डी। बिगाइल करना मतलब क्या होता है, क्या होता है बिगाइल का मतलब? धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना किसी को। हाँ, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी सिनोनिम्स हो गया, और बिगाइल का मतलब धोखा देना, और ये तो पर्सुएड करना। वेरी गुड, सचमुच में आप स्मार्ट हो, नैटी हो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब, नहीं नहीं अब आवाज ठीक हो गई, अब नहीं कट रही, अब शायद ठीक थी ना इस बार, अब ठीक थी आवाज। चलो वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब, वर्च्यू वर्च्यू मुझे भी उठाना। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब है गुणवान, गुणवान मतलब गुण होता है, वर्च्यू का मतलब गुण, और इसका क्या हो गया, अवगुण, अवगुण। ये क्लाइम का मतलब क्या होता है, क्लाइम, क्लाइम का मतलब क्या है, क्या होता है, क्लाइंबिंग थोड़ी होता है, क्लाइमेट भी नहीं होता, आपके क्लाइम, आपके अगल बगल का वातावरण। अच्छा क्लाइमेट भी उसी तरह है, इसको मिलियू बोलते हैं, आपके अगल बगल का सराउंडिंग, सराउंडिंग आसपास की जगह। जैसे आप होटल जाते हो, मतलब होटल अगर सेलेक्ट करते हो, बुक करते हो, तो वहां का एम्बियंस भी देखते हो ना, होटल का एम्बियंस कैसा है, आसपास की जगह कैसी है, तो भाई ये उसको मिलियू भी बोलते हैं। मिलियू का मतलब होता है MELIU, सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, आसपास की जगह। वो हो गया, गुडनेस और स्माइल तो पता ही है। रिन्यू करना, अब मैं इनविंसिबल, मुझे पूरा भरोसा है कि इनविंसिबल रेज योर हैंड में नहीं होंगे। रिन्यू करना, रेज योर हैंड, अच्छा है, चेस्ट करते रहोगे, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। रिन्यू करना, किसी चीज को रिन्यू करना मतलब उसमें उसको रेस्टोर करना, सिनोनिम है, उसमें पुनः जान डालना, एनर्जी डालना, रिप्लेस, सब ये रियून, बर्बाद कर देना, बर्बाद करना। एंटोनिम्स कर रहे हैं, जेन्युइन है, पढ़ रहा है, जेन्युइन है। जेन्युइन का उल्टा क्या होगा, जर्मिनेट होना, मतलब वो तो ग्रो करना, प्रोड्यूस होना। चेस्ट का मतलब कल क्या बताया था, चेस्ट का मतलब प्योर बताया था, फेक है, फेक है। इररेलीवेंट, ये तो बना लोगे, तो इजी वाला। इररेलीवेंट मतलब जो इन अप्रोप्रिएट है, उसका उल्टा क्या है रेलिवेंट। अगली का, अगली, अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, हिडियस बोलते हैं उसको, छुपा के रखा जाता है बदसूरत वाली चीज को। अगली, अगली का उल्टा क्या है, गुड लुकिंग, कॉमली। हाँ कॉमली है, कैटरीना कैफ वाला कॉमली। ग्रैंड, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत भव्य, बड़ा, उसका उल्टा क्या है। ग्रैंड का मतलब नोबल, शाही, एरिस्टोक्रेटिक, ये सब सब सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स का। कॉशियसली, कॉशियसली, कॉशियसली का क्या होगा, कॉशियसली, कॉशियसली का, केयरलेसली, इम्पेचुअस, केयरलेसली, के कॉशियसली तो सावधानी पूर्वक, केयरलेसली, केयरलेसली। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होना, रिलक्टेंट होना। हाँ आंसर बताना, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। सी, रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना, 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 किसी चीज में हिचकिचाना, और ये है विलिंग होना, विलिंग। अभी फिलैंथ्रोपी को रिक्वेस्ट भेजा था, एक्सेप्ट ही नहीं किया आंसर पूछने के लिए, फॉल्स, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, सबका नाम याद कर रही हूँ, डाउट पूछोगे उसके बाद बताऊंगी नहीं। फिलैंथ्रोपिक को भेजा था और एक सुधीर को भेजा था, इस सबका डाउट कभी नहीं लूंगी मैं, बता रही हूँ। फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या है, फॉल्स का उल्टा, फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू।
करेक्ट मत करना, करेक्ट का फॉल्स का मतलब नकली सेंस में, और ये तो सही, करेक्ट का उल्टा इनकरेक्ट, एक्यूरेट का उल्टा इनएक्यूरेट। कौन रोटी सेक रहा है और रोटी बना रहे हैं और क्लास देख रहे हैं? कंडेम करना, कंडेम, सब पता चल रहा है कौन कौन क्लास को किस मोड में देखता है। कंडेम करना, किसी को कंडेम करना, निंदा करना, अवॉइड करना, हेट करना, अंडर रेट करना, इसका उल्टा तो वर्शिप करना, अग्रेसिव, अग्रेसिव, बी प्राउड, अग्रेसिव है, अग्रेसिव, सी टिमिड है, असर्टिव है, प्राउड है, कॉन्फिडेंट है, चले आंसर बताइए। यस, अग्रेसिव लोग होते हैं ना, अग्रेसिव तरीके से तैयारी करना, एकदम डिटरमिंड वे में, असर्टिव नहीं होगा, हमें एंटोनिम करना है ना, असर्टिव, असर्टिव लोग तो अलग है, असर्टिव लोग तो जो डोमिनियरिंग होते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, ठीक है, जो प्राउड टाइप से होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये तो डरपोक है, डरपोक है, डरपोक, डरपोक बॉसी लोग हैं, ये डरपोक है। लिबरल, बच्चा लिबरल है, लिबरल ट्रेड, लिबरल ट्रेड मतलब बिना बाधा के ट्रेड, एक तो वो भी हो गया। वैसे लिबरल का दो मतलब होता है, लिबरल, लिबरल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ओके, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा बाधा वगैरह नहीं है। और एक लिबरल लोग कौन होते हैं, जो बहुत जेनरस होते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उसका उदार होते हैं, उदारवादी, हाँ, तो उसका उल्टा क्या होगा, उल्टा माइजर होगा, माइजर, माइजर, ये तो कंजूस हो गया ना, कंजूस हो गया, कंजूस। एडवर्सिटी, प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव का मतलब तो आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां, बैड समय, बैड समय का उल्टा क्या है, मिसहैप, इसका सिनोनिम है फेलियर है सबसे। मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी का मतलब सब चीज समान, समान है, मतलब कॉमन है, कोई बहुत ज्यादा आफत वगैरह नहीं है, नॉर्मल चल रही है चीजें। डिस्टिंग्विश करना, बताना, डिस्टिंग्विश करना क्या होगा आंसर, डिस्टिंग्विश करने का, डिस्टिंग्विश करना दो चीज के बारे में, तब डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करके क्लियर कर लेना, डिस्टिंग्विश, और ये तो कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज, कंफ्यूज, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज। ये सब लोग जो रोटी बना रहे हो ना, मैं अभी सबको देख रही हूँ, अभी मैंने अश्वनी पटेल को रिक्वेस्ट भेजा था, अश्वनी पटेल को रिक्वेस्ट भेजा था, सबका रोटी खत्म कर रही हूँ, आप भी रोटी बना रहे हो बैठ के। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बोलते हैं ना, दो चीज के बीच का अंतर पता लगाओ, क्लियर करो, और इसका उल्टा क्या है, कंफ्यूज करो, कंफ्यूज, कंफ्यूज करो। मॉइस्चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर है, डैम्प का मतलब भी तो घर पे डैम्प लग जाता है, तो इसका ड्राई है, ड्राई। काउंसिल करना, काउंसिल, काउंसिल करना, एक तो आपका ये वाला काउंसिल होता है, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल का मतलब है परिषद, है परिषद, ये काउंसिल का मतलब है परिषद, ओके, और ये, हाँ चलिए दीपक आंसर बताइए, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग में उठा के बाहर करूंगी, ये काउंसिल करना, काउंसिलर बैठाए जाते हैं ना, काउंसिलर बैठाए जाते हैं एडवाइस करने के लिए, आपको कौन सा बैच लेना है, काउंसिलर होते हैं, एडवाइस करना, एडवाइस करने का उल्टा क्या होगा, हाँ तो काउंसिल का मतलब एडवाइस करना, उल्टा पूछा, उल्टा, उल्टा, अपोज करना, अपोज, अपोज। ऑडेशियस, ऑडेशियस, ये तो किया है, ऑडेशियस, ऑडी गाड़ी में बैठ के अपने आपको बोल्ड फील कर रहा है, ऑडेशियस का उल्टा क्या है, आपने एक नया एंटरप्राइज, नया वेंचर शुरू किया, ऑब्वियस है मतलब कोई भी चीज क्लियर है, इंप्लिकेटेड है। और मैनिफेस्ट करना मतलब मैनिफेस्टेशन, मतलब शो करना। साइट, साइट का कई बार बताया है, एक तो ये वाला साइट होता है, एक तो ये वाला साइट होता है, और एक ये साइट होता है, सॉरी SITE, ये तो कंस्ट्रक्शन वाला साइट, कंस्ट्रक्शन वाला जगह, स्थान, ठीक है। और ये साइट का मतलब होता है सीन, दृश्य, नजारा। और ये साइट करना मतलब किसी चीज को मेंशन करना, किसी चीज को कोट करना, किसी चीज का जिक्र करना, कोई भी चीज सामने लाना, ठीक है, एक्सपोज, सामने लाना, कोट करना, इसका उल्टा क्या होगा। एक तो साइटेशन वर्ड भी बताया है, साइटेशन का मतलब भी एग्जाम्पल देना, प्रशंसा करना, हाँ तो क्या करना, छुपाना, कंसील करना, कंसील। केओस, केओस का मतलब, केओस करके रखा है, ऑप्शंस मैंने अलग अलग डाला है, केओस का मतलब डिस्टर्बेंस,
बट ये तो सिनोनिम्स है, ये होगा नहीं. मोल्ड करना, किसी का एकदम मोल्ड कर देना, अपनी ओर कर देना मोल्ड, चीजों को मोल्ड कर दिया जाता है. क्या होगा? सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिकल ऑर्डर में है, एकदम अरेंज्ड है, ऑर्डरली है, बट ये तो डिसऑर्डर में है. डिसऑर्डर. अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत रिच. इसका उल्टा क्या होगा? पुअर, पुअर. रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट है. रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना. ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज से हिचकिचाना. आंसर क्या होगा हिचकिचाने का? यस, आंसर नहीं आ रहा है. तरह तरह के आंसर्स दिख रहे हैं. ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं. एग्रीएबल ना, ना एग्री. देखो रिलक्टेंट, अनविलिंग तो इसका सिनोनिम्स हो गया. ओके, किसी भी काम को करने के लिए आप रिलक्टेंट हो, हिचकिचा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, एग्री थोड़ी कर रहे हो. क्यूरियस नहीं होगा, एंथुजियास्टिक हो, क्यूरियस नहीं हो. क्यूरियस का मतलब तो जिज्ञासा होता है. एंथुजियास्टिक हो, एंथुजियास्टिक हो. बी होगा, बी होगा. काम, काम होना मतलब बहुत शांत होना. शांत होने का उल्टा क्या? रिलैक्स्ड. इजी सिनोनिम्स है वेरी कोजी, 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 कोजी का मतलब ये कंफर्टेबल, और ये तो अनकंफर्टेबल. एक्सटिंक्ट, हाँ इसमें तो मैं, अच्छा इसका मुझे आंसर चाहिए. मुझे अरे किससे पूछूं मैं? आधा से अधिक तो गायब हो जा रहे हैं. शुरू में तो सब ज्वाइन किए थे और ये सब गायब हो जा रहे हैं. चलिए आंसर बताइए एक्सटिंक्ट का. क्या होगा एक्सटिंक्ट का आंसर? ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर है. सी है, डी है, अनइम्पोर्टेंट है, अंडररेट है. किस, ये नहीं पता, नहीं पता है, और सब गायब हो जाते हैं. बहुत शुरू में सब स्मार्ट बन रहे थे. आंसर बताइए. एक्सटिंक्ट का मतलब है गायब हो गया, इंपॉर्टेंट है. एक्सटिंक्ट का मतलब है कोई भी चीज विलुप्त हो जाना. ठीक है, विलुप्त हो जाना. ओके, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए. हाँ, और ऑब्स्क्योर का मतलब भी होता है अनक्लियर, अनक्लियर. ठीक है, अनक्लियर है, अनइम्पॉर्टेंट है, इररिलेवेंट है. आंसर बताना, आंसर तो पूछ रही हूँ. यूजलेस है एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया, यूजलेस है. कहाँ से हो जाएगा एक्सटिंक्ट का मतलब यूजलेस हो गया? एक्सटिंक्ट का मतलब है जो अभी नहीं है, जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, नहीं है. एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया है जो अनइम्पोर्टेंट. इसमें ना गलती से, ऋषभ से पूछो, गलती से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. इनवैलिड क्वेश्चन है ये. ठीक है, इनवैलिड क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई ऑप्शन फिट ही नहीं है. हाँ तो क्यों बोल रहे हो? कब से मैं ना किसी को इन्वाइट कर रही हूँ कि इसका आंसर दे. सब सब क्या बोलूं, हेजिटेंट है, डिफिडेंट है. हाँ चलिए फिलैंथ्रोपिक. नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए मैम. किसका? सिग्निफिकेंट का. एक अन्य इसका. हाँ सिग्निफिकेंट का, सिग्निफिकेंट का. सिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पोर्टेंट. आप बताओ मैम. एंटोनिम बताना है ना, मतलब अनइम्पोर्टेंट. वेरी गुड. फिलैंथ्रोपिक के लिए क्लैप कर दीजिए. सिग्निफिकेंट मैम थोड़ी हम ना फोन बनाते हैं इस टाइम, तो हम इससे बनाते क्लास लेते हैं. कोई बात नहीं है, चलो वेरी गुड. सिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पोर्टेंट होता है, सॉरी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका उल्टा हो गया इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट लोग जो होते हैं बहुत खर्चीला होते हैं, तो खर्चीला का उल्टा क्या होगा? अच्छा इसको भी मुझे एक को लेना है. चलिए आरिफ, आंसर बताइए आरिफ. पता नहीं मिस, आंसर बताइए एक्स्ट्रावेगेंट का. हाँ हेलो आरिफ. नमस्ते मैम. हाँ खुश रहिए. वेलकम, वेलकम टू रेज योर हैंड ऑप्शन. एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनिम क्या होगा? मैम मेजरली होगा कंजूस. एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला. हाँ मीन क्यों नहीं होगा? मैम मीन नाउन हो सकता है, ये मेजरली नहीं नाउन होता है ना. ये भी एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रावेगेंट भी एडजेक्टिव है,
और माइजरली भी एडजेक्टिव है और मीन भी एडजेक्टिव है. अगर मीन अगर माइजरली ऑप्शन नहीं होता ना तो हम मीन करते, लेकिन दोनों आ गया तो क्या क्यों इसको चुना आपने? क्योंकि एक मीन का मतलब सेल्फिश भी होता है, बहुत मीन पर्सन है सेल्फिश के सेंस में. ओके या पैसों के सेंस में जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, चीजों को खर्च करते हैं. और ये कन्वेंस वेरी गुड आरिफ. चलिए नेक्स्ट वाला अपलोड का क्या होगा? अपलोड करना तारीफ करना, तारीफ करने का उल्टा क्रिटिसाइज करना. अबंडेंट का मतलब है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में है, तो उसका उल्टा क्या होगा? माइन्यूट, कम छोटे मात्रा में. थ्राइव करना. आज यूट्यूब पर भी पढ़ा रही थी, फूलना फलना सर्वाइव करना, रिवाइव करना. और इसका उल्टा है डेटोरिएट. डेटोरिएट मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, हालत खराब होना, वर्सन होना, धीरे धीरे खराब होना. ये ना एक्सोनोमाइज नहीं है, इकोनोमाइज है. अब मैं इसमें से चुनूंगी, इसका मुझे ऑप्शन में से एक में रेज और हैंड वाले ऑप्शन में जाऊंगी. चलिए चेतना बताएंगे मुझे इकोनोमाइज का क्या होगा एंटोनिम. जहां मैं पोल देती थी, अब मैं बात कर लूंगी आपसे. इकोनोमाइज, ये हमारे जो क्लास में सबसे ज्यादा हल्ला करते थे ना, ये रेज योर हैंड में आ ही नहीं रहे, सब एकदम आराम से है. चलिए विश्वेंद्र, इनविटेशन एक्सेप्ट करिए. चलिए बताइए इकोनोमाइज का क्या होगा? ग्रीविंग. इकोनोमाइज हां, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव, अच्छे से देखो. उसीलिए मैं खास करके वो ऑप्शन पे स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रही हूं जहां पे कंफ्यूज. रिड्यूस, इज इट रिड्यूस? नो मैम, नो आईडिया. व्हाई नो आईडिया? एग्जाम में जब बोलोगे नो आईडिया. नहीं मैम, ऐसा नहीं है. लेकिन इकोनोमाइज तो कोई कंडीशन होती है. इकोनोमाइज देखो इकोनॉमी, मनी स्टेट. देखो इकोनोमाइज करना, इकोनोमाइज करना मतलब सेविंग. इकोनॉमिकल ये वर्ब है, ठीक है? इकोनोमाइज वर्ब है. और एक्सपेंसिव तो एडजेक्टिव है. हमें तो वर्ब चाहिए. इकोनोमाइज करना ना किफायती तरीके से चीजों को यूज करना. अब बताओ क्या होगा आंसर? मिनिमाइज ना, मिनिमाइज सेव करना. सेव होगा. मिनिमाइज, मैंने मिनिमाइज यूज के वजह से मिनिमाइज बोल दिया था. सेविंग इज आल्सो काइंड ऑफ मिनिमाइज, किसी चीज को यूज करना उस टाइम. अच्छे से देखो मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ और आप हो रहे हो. अब मेरी बातों से कंफ्यूज मत होना. सी होगा. क्या पूछ रही हूँ? सिनोनिम्स पूछ रही हूँ या एंटोनिम पूछ रही हूँ? एंटोनिम. तो अब डिसाइड करो क्या होगा. अच्छे से विश्वेंद्र, अच्छे से डिसाइड करो. अपना आंसर नहीं बदलना है. मिनिमाइज. इकोनोमाइज करना कम करना, मिनिमाइज में भी कम करना, सेव में भी कम करना, रिड्यूस में भी कम करना. और ये तो सही है, जो आपने पहले आंसर दिया था वही सही था. क्या कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी क्या सीखा आपने कि आपकी ट्रिक्स पे मतलब मेरे को अपना कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे. हाँ, मेरी बातों पे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? इकोनोमाइज कम करना, हमें एंटोनिम करना है ना. चलो थैंक यू. इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुनकर अच्छा लग रहा है मुझे. यहाँ हंस रहे हैं. ग्रूसम, इनविंसिबल नहीं आएंगे ना, मुझे पता है इनविंसिबल नहीं आएंगे. ग्रूसम का मतलब होता है ग्रूसम का मतलब होता है वेरी फ्राइटफुल, वेरी बैड. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लेजेंट. डाउट का उल्टा. हाँ, मुझे डाउट है, मुझे भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे. बिलीव. ट्रायम्फ का मतलब जीत होता है. जीत का उल्टा फेलियर. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग है. आंसर बताना है. आउटस्टैंडिंग है. चलिए निशा, आंसर बताइए आउटस्टैंडिंग का. एडमिरेबल है, बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, नॉट इंक्लूडेड है, नोटोरियस है, इंटरेस्टिंग है. चलिए निशा, आंसर बताइए. सब शांत हो जाएंगे. आंसर बताइए. नेक्स्ट इनविटेशन गोज टू शिवानी. आउटस्टैंडिंग. चलिए आंसर बताइए. आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी क्या होगा इसका उल्टा? हाँ, एडमिरेबल तो इसका सिनोनिम्स हो गया. आउटस्टैंडिंग का मतलब नॉट इंक्लूडेड नहीं है. हाँ, नोटोरियस है. नोटोरियस का मतलब है कुख्यात, ठीक है? आउटस्टैंडिंग पर्सन है.
वॉल्यूमनेस है, वॉल्यूम है मतलब बहुत बड़ा, ओके वॉल्यूम है, हैवी है, वॉल्यूम इसकी ज्यादा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, स्लीक, स्लीक, स्लीक है, स्लीक पतला, कम, स्लीक के सेंस में, वॉल्यूमनेस हैवी के सेंस में, आगे होमली, 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 होमली है, होमली पर्सन है, होमली है, वेरी होमली है, होमली का मतलब होता है ना जैसे घर की तरह बहुत कंफर्टेबल फील करना, कंफर्टेबल फील करना, तो होमली पॉजिटिव वर्ड है ना, तो इसका रफ, रफ है, होमली बहुत स्मूथ, वेरी फेवरेबल है। एक्स्ट्रावेगेंट फिर से आ गया, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है खर्चीला, खर्चीला का उल्टा क्या होगा, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, क्रूएल, 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 बहुत क्रूएल है, क्रूएल है मतलब निर्दयी है, और ये तो रहम करने वाला है। ड्रेडफुल का मतलब तो भयानक, और ये तो हेटफुल है, घृणा करते हो, इनडिफरेंट तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मार्वलस, मार्वलस तो आपको पता है पॉजिटिव वर्ड है, तो प्लीजिंग भी पॉजिटिव है, चार्मिंग भी, ये तो शैबी, शैबी मतलब बहुत खराब, गंदा, डर्टी, ट्रांसमिट करना, चीजों को ट्रांसमिट करना, आंसर बताना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, चलिए शाम भी आंसर बताइए, चलो बताओ, ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह फैलना, ठीक है, स्प्रेड होना, स्प्रेड हो रहा है, शो हो सकता है, ट्रांसमिशन होता है ना, प्रोग्राम का ट्रांसमिशन होता है, शो करते हैं, ठीक है, ओह माय गॉड, चलो अन अकेडमी साइड से कुछ इशू था, अरे मैम कॉल नहीं उठा रही है, मैं अन अकेडमी से कुछ बात कर रही थी, वहीं से कुछ इशू था, चलो स्टार्ट, मुश्किल हो रहा था, ठीक कर दिया, लैग ऑफ द सेंचुरी, चलो जल्दी जल्दी, एलोक्वेंट, जल्दी 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 जल्दी, वेलकम बैक, एलोक्वेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, सब क्लियर क्लियर है, इसका एंटोनिम इज इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, जल्दी जल्दी, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, मैं अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रही हूँ आप तक, कम्युनिकेटिव लोग होते हैं ना जो अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, और ए तो इम्पैसिव लोग होते हैं, इम्पैसिव मतलब उदासीन लोग, ये अपनी बातों को शेयर ही नहीं करते हैं, स्ट्रिप्ट, स्ट्रिप्ट करना मतलब किसी चीज से कवर हटा देना, किसी चीज को नेकेड कर देना, एक्सपोज कर देना, अनक्लोथ, उसे कपड़े हटा देना, तो ये कर देना, कवर कर देना, कवर, कवर, रिवील, रिवील का उल्टा, ये तो कर लोगे, रिवील मतलब उजागर करना, कंसीलर छुपाना, बरीड, 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 किसी चीज को बरी कर रहे हो, उल्टा अंदर दफना रहे हो, छुपा कर रहे हो, ये शोन करना, खाना बना लिया, 5 मिनट लैग में खाना बना लिया, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले करना मतलब किसी चीज को दिखाना, एग्जिबिट, एग्जिबिशन में भी दिखाते हो, शो करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो छुपाना हो, वेरी गुड, इम्प्रिसिजन, प्रिसिजन मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत एक्यूरेट, ठीक है, और प्रिसाइज एडजेक्टिव है, उसी से बना है प्रिसिजन, प्रिसिजन का मतलब है एक्यूरेसी, और इम्प्रिसिजन का मतलब होता है जो एक्यूरेट नहीं है, तो उल्टा क्या होता है, एरर है, देख लो, प्रिसाइज एक्यूरेसी रिलेटेड है, एक्यूरेट, प्रिसिजन होगा, एक्यूरेसी होगा,
एक्यूरेसी एक्यूरेट है, रॉन्ग थोड़ी है, रॉन्ग राइट थोड़ी है, एरर है, हाँ एरर है। आज कुछ मुझे लग रहा है नेट का भी इशू आ रहा है, एरर एरर है, करेक्टनेस है, पॉलिसी का मतलब तो फॉल्स हो गया, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मतलब भी इनअप्रोप्रिएट है, करप्ट है, ये भी हट गया, तो करेक्टनेस ही है, करेक्टनेस है, करेक्टनेस। लैग हो रहा है, सेटबैक, सेटबैक मतलब बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा फेलियर, मिसफॉर्च्यून, उसको बहुत बड़ा सदमा, तो आंसर इज बोनस, बोनस मिल गया, एडवांटेज मिल गया, एडवांटेज। असिस्ट करना, असिस्ट करना, असिस्टेंस दिया, असिस्टेंट दिया जाता है आपको असिस्ट करने के लिए। असिस्ट करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटी देना, और ये तो उसका उल्टा रोक लेना। प्रिवेंट, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, परमिट करना, चेक करना, अवॉइड करना। प्रिवेंट करना मतलब रोक लेना, चेक का मतलब भी होता है, एक चेक का मतलब कॉपी होता है, और एक चेक का मतलब है कंट्रोल करना, रोक देना, और उसका उल्टा परमिट करना। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही। अंडर रेट करना मतलब भी किसी को क्रिटिसाइज करना, अंडर रेट, उसको बहुत कम रेटिंग देना, निंदा करना। डिस्ट्रक्ट करना, बर्बाद करना, और ये तो बचा लेना, बचा लेना। स्पॉइल, 80 तक है, अब खत्म ही है। स्पॉइल करना, किसी चीज को बर्बाद करना, स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना। ब्लाइट का मतलब भी होता है ना, डिस्ट्रॉय करना, याद रखना। ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है? ब्लाइट का मतलब है दुख दर्द, ब्लाइट का मतलब है दुख दर्द, और ब्लाइट दुख दर्द डिस्ट्रॉय हो गया, ब्लाइट इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के सेंस में, मिसाब दुर्दशा, तो इसका उल्टा क्या है? इंप्रूव। ब्लेमिश का मतलब तो धब्बा, स्पॉट, धब्बा, तो उसका इंप्रूव। एनहांस करना, एनहांस करना, किसी चीज को एनहांस करना, और भी अच्छा कर देना, बूस्ट करना, इंक्रीज, उल्टा कर रहे, डैमेज कर देना। यूनियन, यूनियन का उल्टा, यूनियन मतलब जोड़ना, जोड़ने का ब्लेंड मतलब भी दोनों, दो लोग, दो चीज को जोड़ना, मिलाना, मर्ज करना, सब तो सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स। स्ट्रेंथन करना, 80 तक है आई थिंक, स्ट्रेंथन, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना, फोर्टिफाई, मजबूत करना, इसको कल किया था ना, डेबिलिटेट करना मतलब किसी चीज को और भी कमजोर कर देना, वीकन कर देना भी। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़ी चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा करके देते हैं, मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना, इसका उल्टा क्या है? डिक्रीज। और आज बच गया बस। आइडल, आइडल भी हमने किया है, बहुत आइडल है, आइडल है मतलब बहुत सुस्त है, सुस्त का उल्टा क्या है? सुस्त का उल्टा सुस्त है, बहुत सुस्त है, हार्ड वर्किंग है, आइडल है, आइडल का मतलब है लेजी होता है, लेजी। क्विक का होगा स्लो का क्विक होगा, स्लो का क्विक, ये लेजी है। लैग हो रहा है, क्या करूं आज, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। रुको एक मिनट, बस थोड़ा मुझे टाइम दो। अब नहीं हो, अब नहीं होगा लैग। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब है, अब नहीं होगा लैग, अब नहीं होगा, अब तो नहीं होना। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश कर लीजिए, अब नहीं होगा। एडमोनिशन का मतलब है चेतावनी देना, धमकी देना, डराना, धमकाना, और ये तो रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट नहीं। सैंक्टिटी, कल ही आपको बताया था सैंक्टिटी, सैंक्टिटी वर्ड कल ही किया था, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता के सेंस में। नहीं, हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं ना, हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं। वार्निंग और थ्रेट तो ये सब तो चेतावनी है, तो सिनोनिम्स हो गया। मैंने डरा धमका कर आपसे काम करवाया, और ये रिक्वेस्ट कर, जैसे सब रेज योर हैंड, प्रॉब्लम है कुछ। सैंक्टिटी का मतलब होता है बहुत पवित्रता, बहुत लीगल, तो इसका उल्टा क्या है? इलीगल, अनैतिक, अनैतिक। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, फैक्ट्री में जाकर जिद्दी हो गया है, बहुत जिद्दी हो गया, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का उल्टा है मैनेजेबल, जिद्दी नहीं है, इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ, इसको रास्ते पे ला सकती हूँ, जिद्दी नहीं। और लास्ट वाला अड्रॉइट, अड्रॉइट, इस पे तो मैं चाहूंगी एक, पता नहीं अभी कैसा आएगा, नेट का भी इश्यू चल रहा है, इसमें मैं चाहूंगी कोई स्टूडेंट मुझे आंसर करेंगे।
चलो एक बार बता दो किसको किसको पिक करूं, एक बार बता दो लास्ट। फिलैंथ्रोपिक को तो कर लिया, इनोकू एस्बोला वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं सब रिक्वेस्ट, पता नहीं रेज योर हैंड लेके बैठे हुए। चलो कोई नहीं, हाँ चलिए सुधीर जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आप लेट से आते हो, आप वही हो ना जो हेलो। हाँ हेलो मैम, आवाज थोड़ी कट कट आ रही है। चलो अब बताओ कौन सा आंसर है एड्रॉइड का। कौन सा आंसर है एड्रॉइड का? सी। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। फुलिश होता है ना, फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ। बेवकूफ का उल्टा होता है समझदार। बेवकूफ का उल्टा होता है समझदार, समझदार। अड्रॉइट का मतलब समझदार नहीं होता। अड्रॉइट तरीके से काम किया माने आपने बहुत स्किलफुली, स्किलफुली काम किया मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज से, एक्सपर्टीज से काम। ऑकवर्ड होता है या क्लमजी होता है, अपने काम को क्लमजी तरीके से किया या ऑकवर्ड तरीके से किया मतलब बहुत निपुणता से नहीं किया, बहुत क्लमजी वे में किया, अच्छे से नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा आंसर आप बताइए, आंसर क्या होगा? डी होगा, डी होगा, फुलिश नहीं होगा। अड्रॉइट मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट वे में काम किया बहुत एफिशिएंसी से, पर ये तो ऑकवर्ड, बेढंगा, बेढंगा वो। ओके चलो, कितना है स्कोर जिसने पहले से बना लिया था? अरे आज कुछ नेट का इशू लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे साइड से कुछ नेट का इशू है, रिफ्रेश करती हूँ। सेवेंटी आया है, अच्छा सेवेंटी आया। माइक को क्यों ऑफ करो, ऑफ ऑन माइक को करते रहो। 78 पॉइंट ऐसा ऐसा कुछ कुछ आया है, काउंट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, चलो क्लास के बाद कर लें। 57 आया है, अच्छा एक का 80 में 80 आ गया है, ये कुछ नहीं लग रहा है, समथिंग फिशी, समथिंग फिशी, समथिंग डूबियस। 80 में 80 कहाँ से आ जाएगा आपका? डिडंट काउंट, 80 में 80 कहाँ से आ जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार टेस्ट कर रही हूँ, चलिए परस्पिकेशियस। यस मैम। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। ओके चलो आप मुझे बताओ आपका स्कोर कितना है। मैम मैंने काउंट नहीं किया एक्चुअली, मैंने टेस्ट नहीं दिया था। कब दोगे टेस्ट? मैम आज से, बस अब से नहीं होगा ऐसा, सॉरी मैम। चलो मुझे मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि आपने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि आप परस्पिकेशियस हो ना। परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। हाँ आप एक्सपर्ट हो, इसीलिए तो आपने टेस्ट नहीं दिया। आपको लगा क्या टेस्ट देते हैं? मैम नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आप सब नेट ठीक चल रहा है, आगे बढ़ा जाए। कंफ्यूज वर्ड कहाँ तक हुआ था? आज तो मैं देख रही हूँ कुछ ब्रो लोग जो बहुत एक्टिव रहते थे आज बहुत शांत शांत दिख रहे हैं, क्या बात है। ये तो मैं अपना नेट चेक कर रही थी, देखो सही आ रहा था। सब ब्रो लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे आज बहुत शांत शांत दिख रहे हैं, और रेज योर हैंड में आ ही नहीं रहे हैं, रेज योर हैंड में आ ही नहीं रही है, हो गया था ह्यूमैनिटी भी हो गया था। टॉर्चुअस हो गया था, क्लाइमेटिक हो गया था। कौन से नंबर तक हुआ ये? अपोजिट और अपोजिट हो गया, कौन से नंबर तक हुआ है? शुक्ला जी नहीं आएंगे, 45 तक हुआ है। शुक्ला जी, शुक्ला जी इज अ टिमिड क्रीचर, वो नहीं आएंगे। टेस्ट मैंने अपडेट में डाला था, 45 तक हो गया था, अब तो थोड़ा ही सा बचा। कहाँ थे? सही सही बता भी नहीं रहे वो सब। जो लग रहा था यहीं तक है। चलो माइजर, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। चलो माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर का मतलब है, माइजर का मतलब है कंजूस, कंजूस। ठीक है, जो लोग बहुत पैसे कम खर्च करते हैं, इसका तो हमने किया। फ्रूगल भी होता है, स्टिंजी भी होता है, कंजूस होता है, कंजूस।
कंजूस। और मिजरी का मतलब क्या होता है? मिजरी, मिजरी का मतलब कंजूसी मत सोच लेना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइजरलीनेस, ठीक है, ये कंजूस है, ये कंजूस नाउन है और माइजरलीनेस भी नाउन है, बट कौन वाला नाउन? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मिजरी का मतलब होता है प्लाइट, सफरिंग, दुख दर्द, दुर्दशा, गरीबी, दुख दर्द के सेंस में। इसका तो आपने बहुत सारे वर्ड्स किए, एडवर्सिटी। अब माइजर वर्शिप्स मनी, जो कंजूस होते हैं ना वे पैसों की पूजा करते हैं। और वॉर, युद्ध की वजह से बहुत सारी तबाही, दुर्दशा हो गई बहुत सारे रिफ्यूजीज की। यस, नेक्स्ट, लग्जरियस, लग्जरियस हाउस, लग्जरियस हाउस बोलते हैं ना, लग्जरियस का मतलब है वेरी ऐशो आराम वाली हाउस, लग्जरियस, ऐशो आराम, वेरी कंफर्ट का मतलब होता है समथिंग जो क्वांटिटी में ज्यादा हो, क्वांटिटी में ज्यादा हो, लग्जरियस। द फॉरेस्ट आर लग्जरियंट इन ग्रीन वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट होते हैं वो लग्जरियंट होते हैं ग्रीन वेजिटेशन में। क्या होगा? और मैंने ना, मैंने आपके अपडेट सेक्शन में आज, आज इसी बैच के अपडेट सेक्शन में वन वर्ड डाल दिया, डाल दिया, ठीक है, कंफ्यूज वर्ड भी डाल दिया, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लिया, मिल गया, कंफ्यूज वर्ड है, वर्ड्स कंफ्यूज, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डाल दिया, और आज जो टेस्ट लिया है वो भी डाल दिया है, वो तो पहले ही डाल दिया। द फॉरेस्ट आर लग्जरियंट इन ग्रीन वेजिटेशन, मतलब फॉरेस्ट में वनस्पति प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब इन प्लेंटी, प्लेंटी फॉर, प्लेंटी में होता है। और लग्जरियस का मतलब ये जो अपार्टमेंट है ये बहुत लग्जरियस है, लग्जरियस का मतलब क्या? बहुत ऐशो आराम, ऐशो आराम। नेक्स्ट, वनरेबल, वनरेबल, दोनों वर्ड याद रखना, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है और बताया भी है मैंने, वनरेट, वनरेट या वनरेशन कई बार बताया, और वनरेबल सबका मतलब है रिस्पेक्ट के सेंस में, ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या जाएगा? रिस्पेक्टफुल। और ये वनरेशन और वनरेट रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट को एज अ वर्ब भी यूज कर लोगे, एज अ नाउन भी, मतलब रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट, डेफरेंस। हाँ, और एक वर्ड होता है, और एक और वर्ड होता है वल्नरेबल, ये वर्ड को भी याद रखना है। वनरेट का मतलब भी वही जाता है रिस्पेक्ट के सेंस में, वनरेबल। ये क्या होता है वल्नरेबल? वो जो आप बोल रहे हो ना वो भी रिस्पेक्ट ही है, रेवर करना, ठीक है। और एक वर्ड है रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब भी है रिस्पेक्ट, और रेवरेंड रिस्पेक्टफुल, वो भी वही है, वो भी उसी सेंस में। वल्नरेबल वर्ड याद रखना, वल्नरेबल का मतलब है बहुत नाजुक, इसके साथ टू आता है, बहुत नाजुक, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ना जिसको तुरंत तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत नाजुक लोग होते हैं, प्रोन है, प्रोन, ओके ना, जैसे अस्थमा प्रोन, इसको तुरंत तुरंत खांसी सर्दी और वो सब शुरू हो जाता है, प्रोन एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, वीक एरियाज है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक, प्रोन, आसानी से अफेक्टेड हो जाए। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल सबका मतलब है प्रभावित हो जाना। क्या होगा ये वाला? देखो, ये तो वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब हो गया बहुत आसानी से प्रभावित हो जाना, अनगार्डेड है, गार्डेड नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है, सुरक्षित नहीं है। और ये तो रिस्पेक्ट के सेंस में, रिस्पेक्ट। कनेक्ट टू साउथ इंडिया, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? पीपल विद ओपन हार्ट, जिसके दिल बहुत बहुत खुले दिल वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जख्मी भी हो जाते हैं, बहुत इमोशन वाले होते हैं, वो सब बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो सब बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जिनका दिल एकदम ओपन हार्टेड लोग। फ्लेजलिंग का मतलब तो उन्होंने सीखा अभी, आज जैसे आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, आज मैं इमोशनल हो गई क्योंकि अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की टीम से एक हमारे सबसे व्हाट शुड आई से डेडिकेटेड पर्सन अनअकैडमी छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, तो डेडिकेटेड टीम, अब सबका कुछ होगा, मैं ये सब नहीं पूछूंगी ना, ना तो ही इज वन ऑफ माय डेडिकेटेड, ही इज वन ऑफ द डेडिकेटेड सिंसियर एंड वेरी हंबल पर्सन ऑफ अनअकैडमी, टीम के एक मेंबर थे जो मेरे मतलब मेरे जो टीम है उसमें से, और वो मेरे घर भी आए थे जब डेली डायरीज बनाया था ना, दिस इज अ वेरी हम्बल पर्सन, तो वो जा रहे हैं, वो टीम है, टीचर नहीं है, वो टीम के मेंबर है, यूट्यूब वगैरह अनअकैडमी का पूरा देखते थे, तो इज वन वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन, आप ही लोग एज के होंगे, नाइस पर्सन, एंड ही सेंट मी अ मैसेज, मैम
आई एम लीविंग अन अकेडमी एंड द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम यू आई विल रिमेंबर एवर, और अच्छा सा मैसेज लिख के भेजा है. टीचर नहीं है, अन अकेडमी टीम के मेंबर है, उनके एक एम्प्लॉई है. एम्प्लॉई तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिससे बहुत अटैच हो जाते हैं टीम मेंबर से, तो बुरा लगता है जब वो जाते हैं, बट सबको लाइफ में ग्रो करने का हक है, सबको लाइफ में ग्रो करने का हक है. टीम मेंबर से द कैथेड्रल इज अ वनरेबल बिल्डिंग. कैथेड्रल समझते हैं ना जो चर्च होता है, तो चर्च एक बहुत रिस्पेक्टफुल बिल्डिंग होता है, बहुत रिस्पेक्टफुल बिल्डिंग. और ये तो नाजुक है, नाजुक सेंस, ये कैथोलिक चर्च वगैरह जो, ये हो गया नीव और ये हो गया नाइव. नाइव को कैसे याद करोगे? नाइव, नाई जानते हो? नाई किसको बोलते हैं हिंदी में? नाई किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बार्बर को बोलते हैं ना, जो आपके बाल काटते हैं. हाँ, नया है अभी, नाइव है, नया है. बार्बर जो है ना अभी नया नया, इनोसेंट है, नौसीखी है, इनएक्सपीरियंस्ड है. अभी इनएक्सपीरियंस है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो ये क्या खोल लेगा, क्या खोल लेगा? सलोन खोल लेगा, अच्छा वाला सलोन खोलेगा. अभी नौसिखिया है, ठीक है, अभी नया नया है, नौसिखिया है. और ये तो नेव है, ये तो धोखेबाज बदमाश है, इसी का उल्टा हो जाएगा. ये तो नाइव है, इनोसेंट है बेचारा, इनएक्सपीरियंस्ड है, गाय की तरह सीधा साधा है. और ये तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है. नेव, नेव का मतलब होता है स्काउंड्रल, धोखेबाज बदमाश, स्काउंड्रल बोलते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट. द नाइव एंड इज कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर मतलब जो द नेव एंड जो षड्यंत्र रचते हैं दूसरे के खिलाफ, डिसऑनेस्ट. रोग भी बोलते हैं, रोग है, बदमाश, धोखेबाज, विलेन. और ये दे आर नाइव, ये तो नाइव है, ये तो सीधे साधे लोग हैं, इनको आसानी से मिसलीड किया जा सकता है, बिगाइल किया जा सकता है, धोखेबाज मतलब धोखा दिया जा सकता है. जेंटल, न्यू अपडेट यूज करें. हाँ, न्यू अपडेट करो, तभी तो मैं देखूंगी ना कि कौन कौन हाथ उठाया है. कुछ इतने देर से हाथ उठा के बैठे हुए हैं, उनका हाथ भी दर्द हो गया हो. सब बैठे हुए हैं हाथ उठाकर, पता नहीं जेंटल और जेंटील में क्या डिफरेंस है. देखो वाई, इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा तो And that's not why. That's why not. I said that's not. Okay. Why did you give this name? Why did you give this name? Why not? Ma'am, I like this name very much. Why did you like this name? And that's personal reasons. Oh my God. Sorry. I'm not intervening in your personal matter. Okay. Chalo. Nice talking to you. Okay. Okay, ma'am. Oh my God. Gentle. अब इसमें spoken English भी चलेगा. Okay. अब इसमें spoken English चलेगा. सब English में बात करेंगे. जेंटल, जेंटल का मतलब होता है, अगर मैंने बोला उनका नाम वाई नॉट है एंड आई फाउंड दिस नेम वेरी टेम्पटिंग ना, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम इनवाइटिंग हिम. ओके, एंड फॉर पर्सनल रीजंस आई डिडंट आस्क, ही आल्सो हैड हिज पर्सनल रीजंस. एक होता है जेंटल. जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल का मतलब एक तो ये व्यक्ति बहुत जेंटल है, बहुत पोलाइट है, बहुत सिविलाइज है, पोलाइट है, काइंड है, ओके, सभ्य है, सभ्य है, सभ्य, कॉर्डियल है, कॉर्डियल है. और दूसरा, एक आज का वेदर बहुत जेंटल है, सब इंग्लिश में बात करेंगे. आज का वेदर बहुत, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो ना, तो विल कन्वर्स, विल इंटरैक्ट इन इंग्लिश. आज का वेदर बहुत जेंटल है मतलब आज का वेदर बहुत सुहावना है, दोनों सेंस में जा सकता है. ओके, एंड देन वी हैव अ वर्ड जेंटील. व्हाट इज दिस जेंटील? नो डाउट, जेंटील का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जेंटील? ही बिलोंग्स टू अ जेंटील सोसाइटी. ये जेंटल है. जेंटील सोसाइटी का मतलब होता है एलीट, रिच, एरिस्टोक्रेटिक, हाई क्लास सोसाइटी को बोलते हैं. हाई क्लास सोसाइटी वाले अंबानी और वो से वाले लोग हैं, रिच. अच्छा, द पीपल ऑफ बकिंगहम पैलेस, दे आर जेंटिल. वी इंडियंस आर आल्सो जेंटिल. वी इंडियंस आर आल्सो जेंटिल. जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ ना, वो सब तो आ ही नहीं रहे हैं. हमारे से अच्छे अच्छे वाले बच्चे हैं जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो सब तो आ ही नहीं रहे हैं आज. एक को तो एक्सेप्ट भेज रही हूँ ना, वो तो डिक्लाइन कर दे रहा है. बताती हूँ ना, कभी डाउट पूछेंगे तो बताऊंगी. देखो, जेंटील हो गया. जेंटील का मतलब होता है, यस, नैटी, रिच, एरिस्टोक्रेटिक पर्सन को बोलते हैं. यस नैटी, द वेदर इज जेंटल. आज का वेदर बहुत जेंटल है. आज का वेदर बहुत सुहावना है. और ही इज वेरी जेंटल. वो अपने बच्चों को लेकर बहुत जेंटल है, मतलब डांटा डांटा फटकाटा नहीं है, पोलाइट है. हिज अपीयर्स, इसके मैनर्स बहुत जेंटील है. जेंटील मतलब हाई क्लास वाले, वेरी सोफिस्टिकेटेड.
सोफिस्टिकेटेड मैनर्स है, सोफिस्टिकेटेड है, ओके, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सिविलाइज्ड है, सभ्य हाई क्लास सोसाइटी, रोटी भी स्पून से खाते हैं। आओगे तब तो, आओगे अब रेज हैंड में तब तो बात होगी। अर्बन, अर्बन का मतलब क्या है? ऐसे आपके एग्जाम में आ जाता है, देखो आपके एग्जाम में ऐसा दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अर्बन दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे रूरल, और ऑप्शन में दे देंगे सिविलाइज्ड, और आप क्या करोगे इसको टिक करके आ जाओगे, मेरे आंसर ये सही है। ये अर्बन, अर्बन का मतलब है शहरी, और उसका उल्टा होता है ग्रामीण, रूरल, रूरल। ये अर्बन का मतलब होता है जो लोग बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, सभ्य लोग को बोलते हैं सभ्य। ये गलत करके आ सकते हो एग्जाम में, अच्छा कल के मॉक में था, गुड है, गलती किया होगा। एसएससी एक वॉर का मैं वेट कर रही हूँ, एसएससी एक वॉर कब आएंगे, रेज योर हैंड में कब आएंगे एसएससी एक वॉर, ताकि मैं अच्छे से पूछूंगा। एसएससी एक वॉर है, मासूम बॉय है, सब चीनू है जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनसे बात करना है, मासूम बॉय है। अर्बन, ये अर्बन का मतलब तो जो शहर से रिलेटेड है, ठीक है, शहर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये अर्बन का मतलब होता है जो पर्सन बहुत रिफाइंड होते हैं, वेरी पॉलिश्ड होते हैं, बहुत पॉलिश्ड होते हैं, जो लोग बहुत सभ्य लोग होते हैं, सभ्य लोग। नेक्स्ट, द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ऋषभ तो सीधा साधा बच्चा है, सीधा साधा बच्चा से थोड़ी बात करना है मुझे। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन मतलब शहर का पॉपुलेशन, शहर का पॉपुलेशन, और उसका अर्बन पर्सनालिटी, उसका अर्बन मतलब बहुत शांत, मतलब बहुत सिविलाइज्ड, बहुत सिविलाइज्ड पर्सनालिटी, बहुत अच्छा दिया है। चलो आज तो फर्स्ट डे है तो हम लोग थोड़ा सा इससे यूज टू हो रहे हैं, लेकिन ये जो रेज योर हैंड बहुत अच्छा दिया है डाउट पूछने के लिए, ठीक है, डाउट पूछने के लिए बहुत अच्छा सा फीचर उन्होंने डाला। आज मैंने ग्रुप पे उनको थैंक्स भी बोला था, अर्बन पर्सनालिटी मतलब बहुत उसका संस्कारी पर्सनालिटी, बहुत सिविलाइज। कभी कभी आप ऐसे लिख देते हो ना, लिख के भेज देते हो, और कई बार टाइप करने के लिए आपको बोलना होता है कि मैम अगर इसका आंसर ये है तो क्यों है, ये क्या क्या लिख लिख के भेजते हो ना, तो अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं, आप डाउट भेज के और वॉइस में से अपना बता सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अच्छी चीज है। फेमिनिस्ट, अच्छा दिया, आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा। एक को तो फोन किया था, एक को तो फोन किया तो बोल रहा है कि मुझे धक धक हो रहा है, अब उनको धक धक डर से धक धक हो रहा है, ये कौन सी बात हो गई, धक धक हो रहा है और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट लोग कौन होते हैं? एक तो होता है फेमिनिन है, आपने मैस्कुलिन वर्ड सुना है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग, पुलिंग, और इसका उल्टा होता है फेमिनिन, स्त्रीलिंग। फेमिनिन हम उसको बोलते हैं जो फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल। कार्तिक था वो? ना ना, वो कार्तिक नहीं था, दूसरा था, कार्तिक थोड़ी था, कार्तिक तो कैंडिड है, बोल्ड है, कार्तिक नहीं था, ना ना। फेमिनिन का मतलब होता है जो फीमेल से, पुलिंग, स्त्रीलिंग। और एक होता है फेमिनिस्ट, ऐसा फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, नारीवादी, नारीवादी जो नारी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ठीक है, नारी के अधिकारों के लिए। तो फेमिनिस्ट जरूरी नहीं है कि वो फीमेल ही होंगे, मेल भी हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ ब्रो लोग हैं वो भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं, नारी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। बट ये फेमिनिन तो सिर्फ फीमेल होते हैं, बट फेमिनिस्ट मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, नारीवादी, नारीवादी, ठीक है। फेमिनिस्ट का मतलब है नारीवादी लोग, जो वुमेन के, वो चाहते हैं कि समाज में वुमेन को भी सेम अधिकार मिले। वाई ब्रो, एक्सप्लेन योर मीनिंग, छोड़िए इस पर ध्यान दीजिए। और फेमिनिन का मतलब तो ये हो गया वुमेन और गर्ल से रिलेटेड है, फेमिनिन मतलब बहुत डेलिकेट है नॉट। और दूसरा अफेमिनेट लोग किसको बोलते हैं? अच्छा मैं देखूंगी लास्ट में, हैंड रेज अभी पढ़ लो ना, लास्ट में हैंड रेज करें। अफेमिनेट लोग उसको बोल, अफेमिनेट मेल के लिए, वो मेल जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, करण जोहर टाइप, करण जोहर टाइप, वो मेल। तो अफेमिनेट फीमेल के लिए नहीं होता, ये मेल के लिए होता, फीमेल तो फीमेल की तरह बिहेव करेंगे, अफेमिनेट नेगेटिव सेंस में, ठीक है, औरतों की तरह बिहेव करने वाला आदमी, मनीष मल्होत्रा भी है, और ये तो फीमेल होते हैं, और ये फेमिनिस्ट तो दोनों हो सकते हैं, नारीवादी। तो ऑल हर लाइफ शी हैज बीन अ आर्डेंट फेमिनिस्ट, पूरी लाइफ वो एक नारीवाद, वुमेन के अधिकारों के लिए, आर्डेंट का मतलब होता है वेरी पैशनेट। ऑल हर लाइफ शी हैज बीन, शी यूज द न्यूज़पेपर कॉलम एज अ प्लेटफॉर्म, उसने न्यूज़पेपर के मैगजीन मतलब न्यूज़पेपर को यूज किया अपनी नारीवादी विचारों को बताने के लिए। कॉल मी कौन है जो बोल रहे हैं, कॉल मी, हु आर यू दैट आई शुड कॉल यू, यू शुडंट से कॉल मी, यू शुड, मैम प्लीज इनवाइट मी बोलिए, कॉल मी नहीं करना है।
कॉल मी भाई। तन्वी का आज बर्थडे था, आज मैं सुबह में फोन पिक नहीं कर पाई थी, आज तन्वी का ही था, तो मैं चाह रही थी मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूं, बट वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। सेंसिबल सेंसिबल लोग होते हैं ना, सेंसिबल है, सिर पैर की बात करते हैं, ओके, वाइज है, समझदार लोग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, तार्किक बात करते हैं, और सेंसिटिव अलग है, सेंसिबल होना अलग है, और सेंसिटिव का मतलब है बहुत नाजुक, अभी बताया था ना, वल्नरेबल, बहुत नाजुक, जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। मैं लास्ट में जब मैं अपना क्लास खत्म करूंगी ना, अच्छा, व्हेनेवर माय पेरेंट्स एंड अदर पीपल टेल मी दैट आई कांट डू इट, आई टेल देम व्हाई नॉट, ओके, वेरी गुड। चलो इसी बात पे क्लैप कर देना, व्हाई नॉट के लिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा पर्सनल में कुछ और रीजन होगा, ऑसम, वेरी गुड, व्हाई नॉट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, रेड हैट दे दिया। सेंसिटिव का मतलब हो गया, लिख लीजिए, संवेदनशील, बहुत नाजुक, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ससेप्टेबल है, जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, और सेंसिबल तो अलग। She was sensible enough. वो sensible थी, उसके दिमाग में था कि जब वो थक गई थी तो उसने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, तो उसने दिमाग लगाया कि sensible enough, कि अगर आगे चलाऊंगी तो एक्सीडेंट का डर है। कौन है जो मेरे से शाही फील कर रहा था, देखो जरा, शाही फील कर रहे हैं, कौन ही जो शाही फील कर रहे थे, नैटी को शाही फील हो रहा था। कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड, कर्फ्यू को, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, उन्होंने लगा दिया था कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन सेंसिबल एरियाज। सेंसिबल एरियाज मतलब, सेंसिबल का मतलब क्या है, मतलब जो लोग समझदार होते हैं, सेंसिबल एरियाज नहीं, सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव एरियाज मतलब जहां दंगा फसाद का चांसेस ज्यादा है, प्रोन एरियाज, प्रोन। शर्मा रहे थे मुझसे, लड़कियां ठीक है, मैं लड़कियों को लगाएंगे, वो सब नहीं शर्माते हैं, वो सब बात करते हैं, वो सब बात करते हैं। अच्छा चलो यहीं तक रहने दो, अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ, पहले मैं तन्वी, तनु है, तन्वी, एक तो सुधीर को बाहर फेंकूंगी, मैंने इसको 3-4 बार इनवाइट भेजा है, बस इस पर्सन ने, तन्वी आप तो मुझे दिख नहीं रहे हो, आप तो मुझे कहीं नहीं दिखे हो तन्वी, नेवर, स्क्रूस, हरिओम, रेखा, शांभवी, तन्वी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, अब्दुल, कृष्णा, वाई नॉट, परसिवियरिंग, मयंक, प्रिया दिख रहे हैं, तन्वी कहीं नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ओके, तो फिर चलो एंड किया जाएगा, है कहाँ, मुझे नहीं दिख रहे हैं, ऑफलाइन है तो मैं तो उनको रेज योर हैंड में देख रही हूँ ना, रेज योर हैंड ऑप्शन में देख रही हूँ, नहीं है वो, नहीं है। कहीं नहीं दिखे मुझे, फिलैंथ्रोपिक से मेरी बात हो गई है, लड़की से बात करती हूँ, मनीषा से बात कर रही हूँ, गायब ही हो गए होंगे मनीषा, चलिए मनीषा, नमस्ते मैम, मैम आप अचानक से पूछी भूल गए, याद करो मैंने, मैम याद नहीं आ रहा है अभी, कौन कितना पढ़ रहे हैं, हो गई छुट्टी, कौन कितना पढ़ रहे हैं अब पता चल रहा है ना, एक को हो रहा है, चलिए साक्षी बताइए, वो दोपहर वाला भी क्लास करती हूँ, मैं शाम वाला भी करती हूँ मैम, तो क्या सब समझ में आ रहा है,
यस मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम क्लास, मतलब मुझे इंग्लिश मतलब अभी से स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है। पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस की थी इधर उधर से जो बीच बीच में सा मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब वर्ड पे थोड़ा सा पावर बन रहा है, आई मीन थोड़ा हो रहा है वो कैब स्ट्रॉन्ग। और किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? मैम SSC की मैं कर रही हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, मेरा नाम रोशन कर देना। यस मैम, जरूर जरूर मैम, थैंक यू सो मच मैम। तन्वी आ गए, तन्वी आ गया, मैं तन्वी से बात करके क्लास खत्म करूंगी। हाँ आ गए, चलिए तन्वी हैज फाइनली एक्सेप्टेड। गुड इवनिंग मैम। जब ये आपका जब बैच ज्वाइन किया था तो मैंने मार्च में ज्वाइन किया था और तभी मैंने सोचा था कि मैं आपको अपने बर्थडे पे ही कॉल करूंगी। ओह माय गॉड, और आपने तब भी पिक नहीं किया। आज मुझे ध्यान नहीं आया, मैं कुछ अपना ना सेट्स देख रही थी तब मुझे ध्यान आया बाद में। ओके, मैंने अपने घर में सबसे बोला था कि 9 से 9:30 के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने कॉल्स पे कॉल्स करने हैं। नहीं, आप ऐसा करो ना, अभी आप मुझसे कॉल कर सकते हो, मैं इस चीज को कम्पेंसेट कर दूंगी। आप मुझे अभी कॉल कर सकते हो, बस अपना आपका लास्ट डिजिट कुछ 7-1 है ना? जी मैम। लेकिन मैंने आपसे व्हाट्सएप पे सॉरी बोल दिया कर दिया था आपको। जी मैम। ओके जी मैम। अरे आई एम नॉट पार्शियल, जैसे कुछ बच्चे बोलते लड़कियों से बात कर रहे हो, मेरे को ब्रो लोग तो मेरे फेवरेट है, सब ब्लू वर्ल्ड है। मुझे ध्यान आया, चलो एंजॉय योर डे। थैंक यू मैम, अब केक कट करने जा रही हूं। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, चलो ब्रो एक बार सारे लोग क्लैप कर देंगे, एक बार सारे लोग तन्वी के लिए क्लैप कर देंगे, सारे लोग क्लैप कर देंगे। ओके देखो इतने सारे लोग क्लैप कर दिया। ओके ये तो मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे ध्यान आया, मैंने विकास को बोला, एक स्टूडेंट को मैंने टाइम दिया था कि आज मैं फोन उठा लूंगी और मैं भूल गई। ओहो चलो तब एंड किया जाए, सब ने हैप्पी बर्थडे कर दिया है, अब एंड किया जाए। ओके लेट्स एंड द सेशन। ओके चलो थैंक यू एवरीवन। हाँ आज तो हमने आज हमने अपने रेज योर हैंड को इंजॉय किया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्लास से मंडे से आप अपने डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं। ओके डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं, और मैंने डिसाइड किया जो जूम मीटिंग की अब जरूरत भी नहीं है। आप अपने डाउट्स भी बहुत मैं आपका डाउट भी देखूंगी, और कभी मैं पूछती हूँ ना क्या पूछना चाह रहे हैं, वही क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने वॉइस पे पूछ भी सकते हो। और दूसरी बात, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तो लास्ट के 2-3 मिनट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वर्ड पावर में एरर नहीं बन रहा है, वैसी वैसी बातें भी कर सकते हैं। ओके चलो थैंक यू एवरीवन। और कल जिसका एग्जाम है ना, मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रहा है, खास करके मेरे वाले स्टूडेंट जो SBI दे रहे हैं अच्छा करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक SBI एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। कल मैं सुबह उठ के यही प्रे करूंगी कि भगवान अगर ये गलती से कुछ गेस वर्क भी करते हैं ना, इनका सही करवा देना, यानी इन्होंने बहुत मेहनत की है। ओके इनको बैंक में नौकरी दिलवाना, ताकि कभी वो क्या हुआ था, नोटबंदी वाला दौर आए तो ये मुझे भी बचा ले, कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, अचानक से मोदी जी ने ऐसा टाइप से बोला, डिमोनेटाइजेशन वो भूल गई, डिमोनेटाइजेशन आए ना अचानक से बंद हो जाए सब, तो ये मेरी हेल्प करे। ओके तो कल अच्छा जाएगा, अच्छे से एकदम रात में यू टेक अ वेरी गुड स्लीप, टेक अ वेरी साउंड स्लीप। मुझे बहुत एक चीज का बहुत बुरा लग रहा है, उस पर्सन ने अपने घर में बोला कि आज मैं मैम ने बोला है फोन उठाने के लिए, मैंने नहीं उठाया, मैं इसको 3-4 बार आपका फोन उठा के इसको बैलेंस कर दूंगी तन्वी। चलो ठीक है, चलो एंड किया जाए, थैंक यू एवरीवन, केक काटने जा रही हूँ। ओके okay.